नमस्कार दोस्तों, ये यूएस में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और इनकी वर्तमान उम्र 32 इयर्स है। इनको किसी ने डरा दिया कि इनकी आयु केवल 42 इयर्स है। आप में से कई लोग, आप लोग आपकी जीवन रेखा को देखकर डरते होंगे कि मेरी जीवन रेखा छोटी है तो मेरी बहुत जल्दी मौत हो जाएगी, मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये मौत जो शब्द है, ये केवल ईश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। जीवन रेखा बहुत बार यहाँ तक होने के बाद भी मैंने किसी को मरते नहीं देखा, और जीवन रेखा पूरी बड़ी होने के बाद भी मरते देखा है छोटी उम्र में। ये कंप्लीट सब्जेक्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, अर्धज्ञानी जो लोग होते हैं वो आपको डराते हैं, जिन्होंने कम ज्ञान लिया रहता है वो डराते हैं, और ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज्ञान जिसके पास नहीं होता वो अपने ज्ञान का गलत उपयोग करके सामने वाले को डरा देता है। अगर इनकी जीवन रेखा को हम अगर आयु में भी काउंट करें तो ये लगभग 65 साल के आसपास की उम्र है, इस रेखा की 65 ईयर्स की उम्र है, या उससे भी ज़्यादा, 2-4 साल उससे भी ज़्यादा। अगर इस जीवन रेखा को भी अर्धज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से भी गिने तो ये 65 के आसपास की उम्र या उससे ऊपर की उम्र है। तो कहाँ डर आया, डरने की आवश्यकता कहाँ आई? और यहाँ पर देखिए, ये क्लियर कट जॉइंटिंग है, यहाँ से एक रेखा आकर ये पूरी जॉइंट कर रही है। तो उसके बाद, इस उम्र के बाद लगभग 55 के आसपास से इनके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, और ये उसके बाद ये इनकी जीवन रेखा बन जाएगी। तो कहाँ सब्जेक्ट आया, डरने का सब्जेक्ट ही नहीं आता, अर्धज्ञान व्यक्ति को खा जाता है। दूसरा सवाल है, इनको इंडिया में आने की इच्छा, ये यूएस में कमा रहे पर इनको इंडिया में आकर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, यानी गवर्नमेंट में जॉब करनी है। तो मेरी ओर से ना है, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा जब इस तरह से जॉइंट होकर चंद्र पर्वत पर जाए तो व्यक्ति को विदेश में ही सेटलमेंट होती है, वहां के नागरिक बन जाते हैं ये लोग। तो मेरी इनसे ना है। हाँ, इनकी एक लाइन जरूर गुरु पर्वत पर जा रही है, पर इनके भाई बहन और पिता इस सारे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बहुत बार ये लाइन व्यक्ति के घर में पैसा आए या ना आए, पर अगर सरकारी इनकम होती है तो उसके उस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा पाई जाती है, और बहुत बार ये व्यक्ति को अमीर ससुराल भी दिलाती है, उस तरफ भी इशारा जाता है। तो मुझे नहीं लगता इनको इंडिया आना चाहिए, मेरे ज्ञान के हिसाब से इनको विदेश में ही रहना चाहिए, और वहीं ये अच्छी खासी प्रगति भी करेंगे। मैं जब जीवन रेखा पर आऊंगा तो आपको वो सारी साइन भी दिखाऊंगा प्रगति की भी। दूसरा इनका सवाल है शादी। तो शादी जनरली पामिस्ट्री में अगर देखें तो मैंने जनरली पाया है, जब कोई जीवन रेखा से रेखा निकल कर माइंड लाइन को टच करे उस पीरियड में कोई ना कोई विजातीय व्यक्ति जीवन में आता है, और बहुत लोगों की उस पीरियड में शादी भी हो जाती है। तो ये लगभग 35-36 के आसपास की उम्र में इनके जीवन में कोई ना कोई विजातीय व्यक्ति आएगा और उससे शादी भी ये कर सकते हैं, ये इस तरह के संकेत बनते हैं। तो ये लगभग 35-36 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बज सकती है। अब इनके लगभग सवाल यहां पर पूरे हो गए, अब पूरे पाम के एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। ये पाम को देखे तो ये एक तरह से रेक्टेंगल के साथ साथ बहुत चौड़ाई लिए भी है, तो व्यक्ति बैठे बैठे कार्य करता है, बोलकर कार्य करता है, और आईटी सेक्टर में ज़्यादातर व्यक्ति बैठे बैठे ही काम करता है, ऐसा देखा गया। तो ये इसी तरह का पाम है, पर साथ में चौड़ाई भी अच्छी खासी है। अब मैं पाम के प्रकार को, बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं फायर नुमा पाम होता है, प्लस अग्नि तत्व का पाम होता है, अर्थ शेप का पाम होता है, मैं अग्री करता हूँ,
पर एक पामेस्ट्री को मैंने यहां पर कोशिश की है सरल भाषा में पेश करने की। अगर उसमें अगर बहुत सारा ज्ञान दे दिया तो आम इंसान उस ज्ञान को समझ नहीं पाता, वो फालतू जाता ज्ञान। तो मैंने दो पार्टों में अपने हिसाब से पामों को रेक्टेंगल या स्क्वायरिश, और तीसरा होता है रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायरिश, ये तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है आम भाषा को, आम लोगों को समझने के लिए। मैं अग्री करता हूँ अग्नि तत्व, फायर तत्व, इस तरह के पाम होते डिवाइड करने जाए तो ये सारी भाषाएं यूज हो सकती है, पर आम व्यक्ति उस चीज को समझेगा नहीं। तो ये व्यक्ति बैठे बैठे भी कार्य करते और मेहनती भी होते। अंगूठा काफी सशक्त है और बड़ा है तो व्यक्तित्व काफी स्ट्रांग होता है। बेटा बनकर इनसे ले सकते, बाप बनकर कभी नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी होती है, और सेकेंड फैलेंज भी काफी अच्छा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में भी ये एक्सपर्ट होते हैं। गुरु की उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और सूर्य की उंगली देखिए बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले लोग होते हैं ये लोग। जेब में 50,000 होंगे और इनको 50 लाख की हिम्मत करने कहो ये लोग कर लेंगे, इतने हिम्मती होते हैं। पर उसके सामने छोटी उंगली बहुत छोटी है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर रहता है। वस्तु रखनी होगी कल रख देंगे, थोड़ी देर में रखते हैं, जहाँ रखी होगी वो याद नहीं आएगी कहाँ रखी है। इवन बैंक अकाउंट भी अपना ध्यान से नहीं देखते, उसमें कोई बैंक ने कोई चार्ज भी लगा दिया होगा लग गया, इतने केयरलेस होते हैं ये लोग। अकाउंट्स के मामले में तो बहुत केयरलेस होते हैं। पैसा कमाने में ये उंगली कभी डिस्टर्ब नहीं करती, पर मनी मैनेजमेंट होता है वो इनका इतना पावरफुल नहीं होता जो एक बड़ी उंगली का होता है। हाँ, ये एक काम कर सकते हैं, इस तरह का पावरफुल पाम जब होता है सफलता वाला, तो ये किसी को अपॉइंट करके अपनी ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए किसको दे सकते। सामने वाला व्यक्ति ये सब चीज़ें ध्यान रखे तो इनका सारा बोझ हल्का हो जाता है। बाकी पर्सनल लेवल पर ये अकाउंट्स में बहुत कमजोर होते, मनी मैनेजमेंट में भी कमजोर होते। अब चलते हैं इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर देखिए आप कितनी सारी रेखाएं, जब आपको इतनी सारी रेखाएं किसी के पाम में दिखे तो उसको आंख मूंद के कह दीजिए आप जीवन में 100% सक्सेसफुल जाओगे। बुध पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो पैसे से जोड़ता है। जैसे मैं आम लोगों को समझाता हूँ, अगर किसी के ये चारों माउंट व्यवस्थित उभार पर है तो बहुत अच्छा जीवन जीता है, चाहे पैसा व्यक्ति के पास कम हो या ज़्यादा हो। एक व्यवस्थित फैमिली लेके जिएगा, अच्छे घर में रहेगा, एक व्यवस्थित लाइफस्टाइल होगी उसकी, चाहे पैसा कम कमाता भी हो तो भी एक सुंदर सा परिवार लेके सुंदर सा जीवन जीता है। ये केवल चार माउंट। तो वैसा ही अगर बुध पर्वत पर आपको बहुत सारी रेखाएं दिखे तो आप आंख मूंद के बोल दीजिए कि व्यक्ति काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। दूसरी चीज, जब ज़्यादा रेखाएं होती है तो ये हीलिंग टच वाली भी रहती है, लोगों को बोल कर भी हील कर सकते हैं। कोई दुखी व्यक्ति आया इनके पास तो ये ऐसी बातों में उसको समझा देंगे कि वो व्यक्ति खुश होकर चला जाएगा। तीसरी खासियत होती है ऐसे लोगों में कि सेवा भाव, यानी एक तरह का सेवा भाव भी इनमें बहुत भरपूर रहता है। पैसा तो कमाते, साथ में सेवा की ओर भी इनका दृष्टिकोण रहता है। सुंदरता भी देती है ये लाइन है, और व्यापार वाणिज्य और विज्ञान की समझ भी भरपूर देती है, तो काफ़ी अच्छी है। और इनकी मैरिड लाइन भी काफ़ी अच्छी है तो इनका जीवन, सांसारिक जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा, उसमें दो राय नहीं। बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है। अब सूर्य पर्वत पर चलते हैं। सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई स्ट्रांग लाइन नहीं है। जब आपके सूर्य पर्वत पर स्ट्रांग लाइन नहीं होती तो आप बेसिक सफलता इजीली जीवन में पाते हो, पर फिर भी मैं कहूँगा जब दो चार लाइनें आपको यहाँ पर दिखे
तो व्यक्ति को कंसंट्रेशन लगाने में तकलीफ होती है, फोकस डिवाइड होता है उसका। इसका मैं उपाय इनको दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। और यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की भी साइन इनके हाथ में बनी है। इन्होंने ये प्रश्न भी पूछा था कि मेरी प्रॉपर्टियां कितनी बनेगी, तो ये 100% कई प्रॉपर्टियां के मालिक बनेंगे, क्योंकि इनकी जीवन रेखा पर बहुत सारे ऑफशूट यहां पर है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीद करेंगे ये। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत कंप्लीट फ्लैट है, कंप्लीट फ्लैट। और यहां पर भी देखें तो बहुत सारी रेखा है, एक गुरु पर्वत की ओर जा रही है, यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है। तो ये मल्टीपल इनकम वाले इंसान बनेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। अभी तो ये सिंगल फोकस होगा इनका जीवन में, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में होंगे। वो मैं जब फेट लाइन पर आऊंगा तब उसके बारे में डिस्कस करूंगा। गुरु पर्वत काफी बढ़िया है पर है छोटा, तो ये नेचुरल है, अपने आप में उभार है, तो पारिवारिक और सांसारिक तकलीफें जीवन में नहीं रहती। पर जब गुरु पर्वत छोटा होता है तो व्यक्ति को परिवार से दूर तो रखता ही है, और ये परिवार से दूर ही रह रहे, चाहे आपको इंडिया में दूर रखेगा, चाहे आपको विदेश लेकर चला जाएगा। विदेश के लिए चंद्र पर्वत और बाकी के बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पर गुरु पर्वत आपका छोटा है तो आपको परिवार से दूर 100% लेकर जाता है। पर गुरु पर्वत अपने आप में उभार है, कहीं पर भी एक जगह उभार या एक जगह दबा हुआ ऐसा नहीं है। तो 0% पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम व्यक्ति को रहते। और यहां पर अभी ये वर्तमान 32 साल की उम्र है और ये स्क्वायर बना हुआ है, ये रिसेंट में हो सकता है कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्होंने ली भी होगी या लेने की तैयारी में होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर व्यक्ति को 32 साल के पहले प्रॉपर्टी दिलाती है और 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन दिलाती है। तो ये सारे लाभ इनको मिलने ही वाले। और व्यक्ति को जब इस तरह का स्क्वायर बड़ा हो तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलता है व्यक्ति को। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल पर देखें तो ऐसा कोई माइनस पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा, पर अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कमजोर है। तो 35-40 के आसपास ही आएंगे तब कोई ना कोई राज रोग, जैसे कहते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह के जो डेली दवाई लेने वाले जो चीज़ें होती है वो कोई ना कोई इनको लागू होगी। पर इसके कारण कोई जिंदगी जीने में कोई तकलीफ नहीं आती। मैंने 85 साल के लोगों को भी इस तरह के मंगल वालों को देखा है। हाँ, शारीरिक क्षमता व्यक्ति की जरूर आम इंसान से कमजोर रहती है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। अब चलते हैं इनके भारी मंगल। भारी मंगल काफी अच्छा है, ये लोग साहसी होते, प्लस संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते, और जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते। चंद्र पर्वत विदेश में रह रहे उस व्यक्ति का चंद्र पर्वत ऑलवेज आपको अच्छा दिखेगा। पर इसी पर देखिए आप, ये क्रॉस की साइन है, ये व्यक्ति को एक नेगेटिव पार्ट देती है, जीवन के प्रति डर लगता है। मैं आज जहां पर हूं वहां से नीचे गिर गया, तो इस तरह का डर व्यक्ति को सताता है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा है, निर्णय शक्ति काफी बेटर होगी इनकी। दूसरी चीज, वैल्यू फॉर मनी होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, ये सारे गुण चंद्र पर्वत देता है और विदेश से संबंध लाता है। ये सबसे अच्छी खासियत इनके पाम में देखे तो ये बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल, ये इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को बहुत सारी इनकम के स्रोत क्रिएट करवाता है और कंप्लीट है। सबसे बड़ी खासियत ये है, इतना बड़े मनी ट्रायंगल यानी काफ़ी रिच बनेंगे, इनकम के स्रोत बहुत अच्छे इनके जीवन में क्रिएट होंगे और अभी भी होंगे इनके जीवन में, उसमें ना नहीं। और ये अच्छा खासा धन अपने जीवन में जमा करेंगे। शुक्र पर्वत पर भी कोई खामी नहीं है, काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है, तो व्यक्ति पैसा भी अच्छा कमाता है और खर्च का पैमाना भी अच्छा खासा रहता है। अब इनकी हार्ट लाइन, हार्ट लाइन पर देखें तो यहाँ से गुरु पर्वत से शुरू हुई
और ये सीधी चलकर यहाँ आगे चल रही। व्यक्ति भरोसे लायक होता है, किसी के 100 भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके देकर आएगा। दूसरी खासियत, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो पर्सनल लेवल पर ये रेखा मायूसी देती है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि गुरु पर्वत के बहुत अंदर तक जाती हो। एक हल्का सा एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा होगा, पर ऐसे लोग कभी प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते। अगर कॉलेज में भी पढ़ते और कोई लड़की इनको पसंद भी आ गई तो उसको आई लव यू तक नहीं बोल पाते, इतना माइनस पॉइंट होता है। ये लोग प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते जिनकी हृदय रेखा सीधी होती है और गुरु पर टच होती हो तो। शनि पर हो तो सब्जेक्ट पूरा चेंज हो जाता है, शनि से शुरुआत होती हो। और यहाँ पर देखे तो ये देखिए बहुत सारी लाइन, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा है। ये अपने मित्रों को सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस आएगा नहीं। और हार्ट लाइन थोड़ी सी डार्क है तो जीवन में झंझट मारिया भरपूर रहेगी, ये फ्री नहीं रह पाएंगे, अपना जीवन उतना उत्तम रूप से नहीं जी पाएंगे, झंझट मारियों से घिरे रहेंगे। सेम इसी तरह की इनकी माइंड लाइन भी है। माइंड लाइन पर भी देखिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ तक चली तो थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो व्यक्ति एक्स्ट्रा दबाव आने पर विस्फोटक बन जाता है, उसके सिवाय कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। पर ये जीवन में दबाव लेने वाली माइंड लाइन है, एकदम स्मूथ नहीं है, तो दबाव भरपूर रहेगा इनके जीवन में, ये फ्री नहीं रह पाएंगे, पर्सनल जीवन बहुत अच्छा उत्तम रूप से नहीं जी पाते ये लोग, बहुत झंझटों से घिरे रहते। अब इनकी जीवन रेखा को देखें, डिस्कशन कर चुके हम शुरुआत में, अब केवल प्लस और माइनस पॉइंट बता दूं। ये बहुत सारे ऑफशूट देखिए आप, कितने सारे ऑफशूट हैं इनके। ये 45 साल तक कंटिन्यू प्रोग्रेस करेंगे, कंटिन्यू। इस तरह की रेखा है जब किसी के हाथ में हो तो बहुत ज़्यादा विकास करता है अपने जीवन में। ये 45 ईयर्स तक नॉन स्टॉप डेवलपमेंट होगी और उसके बाद भी जीवन रेखा पर थोड़ी सी राव रेखा है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिसका डिस्कशन किया जाए। पर ये जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधाएं लाएगी और इनकी धन रेखा पर भी ये सारी चीज़ें दिख रही है। 45 के बाद इनकी राहु रेखाओं के कारण ये बीच बीच में दो दो महीने का, ढाई ढाई महीने का या 4 महीने का कोई ना कोई टेंस आएगा और कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको होता रहेगा। पर 45 तक ये काफ़ी कंफर्टेबल इनकम करेंगे। हाँ, बीच में राहु रेखाएँ आती है हल्की सी, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान देगी, पर इतने सारे ऑफशूट होते तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कुछ गया। पर इसके बाद यहां पर इनको थोड़ा सा पता भी चलेगा, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट होगा। राहु रेखा है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है व्यक्ति को, बाकी अच्छी खासी रूप से आगे बढ़ रही है। अब इनकी धन रेखा नॉन स्टॉप केतु पर्वत से निकल रही है तो वेल टू डू फैमिली होती है, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ता, यानी पूर्व जन्म में अच्छे काम किए रहते इन्होंने। और ये रेखा देखिए, ये चलते 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 स्ट्रांगली यहाँ तक चली और यहाँ पर एक बदलाव आ रहा है, यानी 36 में इनको अथॉरिटी पोजिशन मिलेगी और ये लगभग 46-47 तक ये नॉन स्टॉप चल रही है। यहाँ पर ये रुकी और यहाँ से बदलाव आ गया, यानी 35-36 के आसपास इनके जीवन में और एक पॉजिटिव बदलाव आएगा कमाई के माध्यम में, हो सकता है कोई अच्छी पोजीशन इनको मिले। और ये लगभग 46 तक करेंगे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा इनकम की लाइनें ऑलरेडी बनी हुई है, यानी ये मल्टीपल इनकम वाले व्यक्ति बनेंगे, बहुत जगह से पैसा इनके जीवन में आते रहेगा, बहुत जगह से। आप सोच लो कितनी जगह से पैसा आएगा इनके पास। इनकी हृदय रेखा, इनकी माइंड लाइन यही सारा शो कर रही है। कंटिन्यू बिजी रहेंगे, कंटिन्यू प्रेशर में रहेंगे, कंटिन्यू कमाई करते रहेंगे और मल्टीपल इनकम के स्रोत बनेंगे इनके जीवन में। एक तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी,
लगभग 36 के आसपास से एक और इनकम चालू हो जाएगी और एक और ये पॉजिटिव बदलाव आएगा, और उसके बाद तो यहाँ 42 से 44, 46 कंटिन्यू मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने हुए ही है, तो बहुत माध्यमों से पैसा इनके पास आएगा। तो जब इतनी सारी रेखाएं होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़े भी आती है, तो ये वो भी शो कर रही है, ये राहु रेखा है, ये हल्की हल्की रेखा है, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।